अच्छा जी, अभी मैंने इधर नाश्ता बना दिया बच्चों के लिए। मैं नाश्ते में आपको बताती हूँ क्या बना। अच्छा ये देखें, नाश्ते में बना पराठा, ठीक है, 7 चनों का सालन है और 7 अंडे बॉयल किए हैं बच्चों के लिए। और ये जो पराठा है ना, ये मैंने नहीं खाना, ये मेरे बच्चों का, ये नाश्ता मेरे बच्चों का, साथ उनके चाय होगी और जूस होगा, ये मेरा नाश्ता नहीं है। मैं आपको बाहर का थोड़ा वेदर भी चेक कराऊँ। आज सुबह के अभी तकरीबन हो गए हैं 9:30 का टाइम हो गया, और मैं आपको बताती हूँ क्या। ये देखें, वो फिर बर्फ़ वाला बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। ये देखें गाड़ी को, ये देखें, ये जितना भी आपको सारा वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये सारी बर्फ़ है। ये जितनी भी है ना, ये सारी बर्फ़ है, ताकि वेदर देखें, सन निकला हुआ है, वेदर कितना क्लियर है, लेकिन -3 दर्जा रहा है आज। आज भी जो ठंड है वो टू मच है, बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, और बहुत ज़्यादा वो बर्फ़ वाला कोहरा पड़ा हुआ है। बच्चों को अभी नाश्ता देते हैं, अपने सुबह का आगाज़ करते हैं। मैंने सच आपको बताऊं, ये मैंने अपना गर्म पानी किया है, जो मैं सुबह सुबह खाली पेट पीती हूँ, ठीक है ना। सुबह खाली पेट मैं गर्म पानी पीती हूँ, और आप चाहें तो इसमें लेमन या शहद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल पीती हूँ। और इसके बाद मैं तकरीबन 1.5 घंटे के बाद पीऊँगी अपनी कॉफ़ी, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं कल भी आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं थोड़ी सी टेंस थी, डिप्रेस थी, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो आज बारी है जी प्रोडक्ट ऑफ द डे की, कि कौन सी हिस्सा की, जो मैंने आपको बोला था कि चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, मेकअप से रिलेटेड हो, हेयर एक्सेसरी से रिलेटेड कुछ भी हो, मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस की एक चीज़ शेयर करूँगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे फेस ब्राइटनिंग के लिए, क्रीम का पूछ रहे कि कौन सी अच्छी है, या कोई भी हिस्सा की चीज़ जो है ना। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने लगी हूँ, ये देखें, ये मिस्ट है, टोनर मिस्ट है कोजिक एसिड की, ठीक है, मैं फ्रंट से दिखाती हूँ। अच्छा जी ये देखें, ये हॉलीवुड वालों की है, हॉलीवुड स्टाइल वालों की है, ये वाइट कोजिक टोनर मिस्ट है, ठीक है आपने, और इसके अंदर जो है वाइटनिंग शीन्स भी हैं, ठीक है, विटामिन ई है इसके अंदर, इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रेस क्यूकम्बर टोनर भी है इसमें ऐड है, ठीक है, और इसमें रोज़ उन्होंने ऐड किया है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा। सन फ्लावर्स जो हैं वो भी हैं इसके अंदर, विटामिन ए भी है, सबसे बेस्ट है, जो आपको आपका जो एंटी एजिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो उसमें उस वो होता है विटामिन ए, ठीक है ना। ये बराबर, ये बहुत ज़बरदस्त है वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए चाहिए। अभी प्लीज़ मुझे ना आप कमेंट सेक्शन में बार बार रिकमेंड करते हैं ना, तो इसलिए मैंने अभी सेशन ही, मैंने अभी प्रॉपरली सेशन ही ये कर दिया कि मैं डेली बेसिस पे जो आप मेरे से क्वेश्चनिंग करते हैं ना, जो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मैं उसका हर एक को जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन ये है कि मैं डेली बेसिस पे उन्हीं चीज़ों को देख के डेली की एक चीज़ बताऊंगी। तो ये मिस्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अब ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको जब हमने सुबह अपना फेस वॉश करना है, शाम को भी करना है, 2 दफ़ा फेस जब भी आप वॉश करें ना अपना, उसको टॉवल ड्राई करके फिर आपने इसको स्प्रे करना है अपने फेस पर ना, ये इस तरह। इसको अभी मैंने अपना फेस वॉश किया, मुझे सुबह टाइम नहीं मिला, इसको आपने अपना फेस वॉश करके अपने फेस पे अच्छी तरह, जो टोनर लगाते हैं स्प्रे करते हैं उस तरह से आपने इसको स्प्रे करके, आपने इसको क्रीम की तरह रगड़ना मलना नहीं है, बल्कि टैप 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 करके ना आपने स्किन के अंदर इसको पेनिट्रेट करना है, ठीक। अच्छा जी मेरा भी हो गया कॉफ़ी टाइम, और मैं पीने लगी हूँ अपनी कॉफ़ी। आप भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप में से किन किन लोगों को कॉफ़ी पसंद है, अगर वो कॉफ़ी नहीं पीते तो उनका सर दर्द करता रहता है। सच है कि क्रेविंग होती है ना, एज इट इज़ कॉफ़ी की भी होती है, जो मुझे शदीद होती है। ये मेरी बन गई कॉफ़ी, अगर आप लोगों ने भी पीनी है तो आ जाए। मैं अभी इसको लेके तो जा रही हूँ हॉल में, बच्चे अभी खेल रहे हैं, और मैं आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, साथ टीवी पे कुछ चैनल देखती हूँ, क्योंकि मैंने हाउस क्लीनिंग जो थी वो भी कल सारी कर रही थी, वो मैं बताना याद नहीं रही थी, तो इसलिए आज मैं फ्री हूँ, खाना भी नहीं आज बनाने वाला, तो आज बस नाश्ता इनको बना के अभी खुद दिन को खाऊंगी, तो अभी फिलहाल कॉफ़ी। अच्छा जी मैं अभी अपना लंच करने लगी हूँ, लंच में ये सैलेड है मेरा, इसके ऊपर जो उसकी करते हैं जो सॉस बना के वो कर की है मैंने योगर्ट की, ठीक है ना, और ये नीचे चनों का सालन है, ऊपर ये थोड़े से मैंने जो एक डिश छोटी होती है वो डाले हैं। हर एक बंदा डाइट ना करें, आप अपनी डेली रूटीन जो है ना वो बना लें। अच्छा जी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि आप डाइट ना करें, लेकिन आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जो है ना वो रखें,
कि आप डेली जो खाएं उसमें सैलड भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें कार्ब्स भी हो, सारी चीज़ें मिक्स हो। मैं हर एक चीज़ खाती हूँ, क्वांटिटी कम में खाती हूँ। और दूसरा, मैं 6 बजे के बाद नहीं खाती, अगले दिन 12 बजे डायरेक्ट मैं जाके खाती हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा डेली का कुछ ना कुछ अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हर एक चीज़ खा के भी वज़न कम किया जा सकता है। क्या डाला फिर? सिरो डाला है। बस सिरो लेके फेंक दो। अच्छा जी, इधर अभी फाइनली जो है वो हम लोग जाने लगे, मैं निकलने लगी हूँ। पहले मैंने अपने हस्बैंड को लेना है, उनको उधर से लूँगी और फिर हम लोग चले जाएंगे उस स्टोर पे, क्योंकि आज का उन्होंने कल या आज का बोला हुआ था जो गुजर गई, ये कल उसका या आज का कि आ जाएगा आपका आईपैड। तो अभी उधर हम लोग जाएंगे, एक दो और काम है। पहले अपने हस्बैंड को लेने जाऊंगी, फिर जो एक दो काम है वो करेंगे, उसके बाद जो भी रूटीन हुई आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने देखें और क्या किया, मैंने स्वीट पोटैटो अपने रखे थे बॉयल होने के लिए, लेकिन मैं उनके ऊपर आके भूल गई। जब अब निकलने लगी हूँ तो तब मेरी बेटी ने मुझे याद करवाया कि मामा चूल्हे के ऊपर कुछ है तो चूल्हा बंद कर दूँ। तब मुझे याद आया कि वो ऊपर थे, उसमें भी अभी वो उनका ना कोरमा बन गया स्वीट पोटैटो मेरे का। तो ये इसकी ना कोई आईफोन का मुझे कैमरों का यही इशू है कि आप थोड़े आगे पीछे हो ना तो लाइट फेस बड़ा आपका अजीब सा दिखाई देने लग पड़ा, इसलिए मुझे चिढ़ है। आईफोन वैसे तो पसंद है, लेकिन जो इसका सेल्फी कैमरा है ना, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद। अंदर के भी आपके मार्क जो है ना वो विजिबल करता है। अच्छा चलिए, ठीक है, सही है। अभी प्लान हमारा चेंज हो गया, फिलहाल पहले मैंने वो बनाए थे खाने के लिए, अभी हम लोग निकलेंगे। पहले अपने हस्बैंड को लूँगी, उधर से उस स्टोर पर जाऊँगी, फिर एक दो पे और हमने जाना है बच्चों के जो गिफ्ट्स लेने हैं वो लेके, तो फिर आप लोगों के साथ बताती हूँ मैं। अच्छा जी, हम लोग दोबारा आज उसी स्टोर पे फिर आ गए हैं। अगले दिन मैंने आपको इसका रात का व्यू दिखाया था, आज दिन के टाइम का भी देख लें। ये सारे स्टोर सारे शॉपिंग वगैरह वाले हैं, ग्रॉसरी वगैरह के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, बच्चों के खेलने वगैरह के हैं, क्लब वगैरह हैं इधर जो बॉलिंग वगैरह वाले हिस्सा ना, तो ये इपो डिपो स्टोर है। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा फेमस है, और ये था कि हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो इधर क्योंकि आज उन्होंने हमें बोला था दोबारा, तो आज हम लोग दोबारा गए हैं इधर, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ इधर जाके। ये माशाल्लाह 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 मेरे बच्चे लगे हुए हैं, छोटू है मेरा। तो ये है कि आज भी वही काम हुआ कि दोबारा भी उधर जाके ना, तो हम लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आज भी वो नहीं आया हुआ था ना, हमें टैबलेट नहीं मिला। और ये मैं फिर थोड़ी वीडियो शूट करने लग पड़ी थी, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है जो कॉफ़ी मशीन वाला, क्योंकि मुझे कॉफ़ी आपको पता है बहुत पसंद है, मैं पीती भी हूँ। अभी तो हर काम कर रही है लेकिन पसंद बहुत है। तो इधर ये हर एक चीज़ जो है ना आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, और जो बाकी स्टोर्स वगैरह हैं उसकी निस्बत इनकी प्राइसेस थोड़ी रीज़नेबल होती है ना। अच्छा, तो ये फ्रिजों की तरफ आए थे, ये जो सामना फ्रिज है ना, ये हमारा है ना, हमने इधर से लिया था, ये जो तीसरे नंबर पर है ना, ये वाला जिसमें से ये ठंडा पानी निकलता है, ये सामने ये हमारा फ्रिज है ना, ये हमने लेना इससे अगला था लेकिन तब हमें मिला नहीं था, तो ये हमने लिया था। और बहुत ज़बरदस्त है, जिधर भी अमेरिकन फ्रिज है ना, इधर होते तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की इजली मिल जाती है। तो फिर हम लोग ये कि जब उधर से नहीं मिला तो उधर से निकल आए हैं। तो अभी पता नहीं क्या बात है, आजकल ना मुझे टेंशन की हालत में भूख बड़ी लग रही है। तो हम लोग इधर मैकडो पे आ गए हैं, मैकडो बेसिकली मैकडोनल्ड्स को फ्रेंच में बोलते हैं मैकडोना। तो इधर ये इनका यूए वाला बना हुआ था, ये साइड इधर बच्चे खेल भी सकते हैं, लेकिन ये कि वो उन्होंने बंद की हुई थी, तो पता नहीं क्या बात है, कोरोना के आई थिंक केसेस वगैरह फिर बढ़ने लग पड़े हैं, तो इस वजह से शायद करके तो हम लोग फिर दूसरी साइड पे इधर अंदर चले गए हैं, ये मेन साइड है इनकी। तो इधर जाके तो हमने फिर ऑर्डर किया तो खाया। ये भी सेंटर कमर्शियल का एरिया सारा, आगे भी जाते हुए मैं आपको अपना फेवरेट स्टोर दिखाती हूँ। अभी तो नहीं, मैं हर गई, बच्चे साथ थे, वैसे ही वो जलील करते हैं, लेकिन ये कि जाते हुए आपको मैं दिखाती हूँ ज़रा। इधर मेरे हस्बैंड ऑर्डर कर रहे थे तो हम लोग बैठे हुए थे, इधर मैं बैठी हुई थी, छोटा बेटा मेरा बैठा हुआ था, तो वो लोग ऑर्डर कर रहे थे। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत इधर की जो वीडियो है मैं बैठी हुई तो चलो शूट कर लूँ सारी जो भी। इधर असल में ना हिलाल और कुछ भी नहीं मिलता ना,
इधर सिर्फ अगर हिलाल मिलता है मैकडोनल्ड वगैरह पे तो वो फिले फिश मिलता है, उसके अलावा हिलाल कुछ भी नहीं है। तो मैं जब वीडियो बना रही थी तो जो हमारा मेन्यू अभी आएगा तो मैंने अपने जो मेन्यू थे वो उनकी बना रही थी जो बच्चों के बॉक्स से वो, क्योंकि उन्होंने बाद में दिए थे मैं वो बताने भूल गई थी आपको वीडियो में, उसको वीडियो बनाने भूल गई थी। तो ये भी सारे खाने पीने के स्टोर हैं लेकिन ये फ्रेंच लोगों के, हमारे खाने वाले नहीं हैं, इसलिए मुझे इनकी डिटेल भी इतना पता नहीं है कि क्या क्या इधर, क्योंकि हम लोग कभी गए ही नहीं है, क्योंकि जिधर से हिलाल मिलता है उधर हम लोग जाते हैं। ये हमारा भी मेन्यू है, ड्रिंक बच्चों की थी साथ लेकिन उनकी जो बास्केट थी वो बाद में आई थी। ये अभी हम लोग खा के तो निकल आए, शाम का टाइम था वैसे, ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्टोर ज़ारा, ज़ारा है। काफ़ी दिन तकरीबन 10-12 दिन पहले मैंने काफ़ी शॉपिंग की है इधर से ना, ये जेंट्स का है ये वाली साइड, तो जिस जो इसे अगली साइड है ना वो लेडीज़ की है। तो भी गुजरते हुए फिर मेरी पैंटों पे नज़र तो पड़ी है, ये वाली साइड जो अभी स्टार्ट हुई है ना ये लेडीज़ की है, लेकिन ये कि अभी मैंने जाना नहीं था क्योंकि मैं जाती हूँ फिर मैं वैसे निकलती नहीं हूँ यहाँ से, और बच्चे साथ होना तो बच्चे बहुत जलील करते हैं अंदर जाकर। जब भी मैं इधर आती हूँ मैं बच्चों को घर छोड़ के आती हूँ, छोटे को लेके आती हूँ, बड़ी स्कूल होती है ये साथ, ये अरमानी और ये नेचुरल कॉफ़ी वाले सारे इधर दुनिया जहान के, मैंने अगले दिन भी आपको बोला स्टोर है लेकिन ये इसकी अपोजिट साइड है ना। तो अभी खैर हम लोग इधर से जा रहे थे दूसरे स्टोर पे ताकि इसके, चलो वो आईपैड तो नहीं मिला तो जो दूसरे इसके हमने लेने हैं गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं वो ले लें। ये सारे स्टोर रास्ते में जाते हुए जेंट्स वगैरह वाले, अभी आगे मेरा मेन मेरा वीक पॉइंट आने लगा, दिखाती हूँ आपको अभी ना, गुजरने नहीं होता पास से उसके मेरे, लेकिन ये है कि मैंने अभी रिसेंटली परफ्यूम भी काफ़ी बाय की हैं क्योंकि अभी हम लोग दिसंबर में, मैंने आपको बताया पाकिस्तान गए हुए थे तो जनवरी में 3 को हम लोग वापस आए हैं, तो मैंने लिए हैं काफ़ी परफ्यूम्स वगैरह भी लिए हैं, तो कॉस्मेटिक का भी, लेडीज़ गारमेंट्स का सारा ये वाला। तो ये आ गया जी सफोरा, जान जाती है मेरी इस पर, मेरा पहला और आखिरी प्यार है ये, तो नहीं पहला तो मेरे हस्बैंड ही थे नहीं हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और ये जो है ये दूसरा पहला वो जो मेकअप की सेंस में, क्योंकि मैं पहले भी पार्लर का काम करती थी, पहला इस सेंस में गया जी। खैर इधर में आई तो ये शॉप थी फ़ोन वाली, मैंने फ़ोन चेक करना था, मुझे जो है पता नहीं क्या बात है मेरे से आईफोन का, मुझे ना सेल्फी कैमरा नहीं पसंद, ये फ्री वाले हैं। इधर में आई ये भी लेडीज़ गारमेंट्स का, इधर गुजरे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ज़रा रुकें जो S23 आया है ना मुझे एक दफ़ा उसका चेक करने दे कि उसका रिजल्ट कैसा, फिर पता है क्या बात है जिसा था ना S10 Plus का हो गया ठीक है या S22 Plus का है तो वो उससे ऐसा नहीं है। इधर हम लोग अंदर आके गेट से उसके ले लिए थे, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो उधर से मैंने ब्रेड्स वगैरह लिंगा रही, ये स्वीट पोटैटो मेरे बने हुए थे वो आके मुझे थोड़ी सी भूख लगी, मैंने आपको बताया मुझे टेंशन में भूख लग जाती है, स्वीट पोटैटो मैंने खाए इधर। तो अभी ये साथ साथ बच्चों ने रोला डाला हुआ था उनको देख रहे थे, तो इधर ही तकरीबन थी इतनी वीडियो मेरी आज। अच्छा जी हम लोग घर वापस आ गए हैं अभी, तो आज भी जानो फजूल ही रहा, उन्होंने बोला तो था कि आ जाएगा लेकिन हम लोग आज दोबारा स्टोर पे गए हैं और वो हमें दोबारा नहीं मिला, तो इसलिए फिर हम कल जाके पता करेंगे हम लोग। तो दूसरी जो उसकी चीज़ें थी जो उसके दूसरे गिफ्ट थे वो हम लोग गए हैं, तो हम लोगों ने जा के ले ली हैं, तो आज भी दिल बड़ा आवाज़ार सा हुआ है लेकिन ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सुबह ज़रूर मिल जाएगा। अभी काफ़ी रात हो गई है तो इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपसे मैं मिलती हूँ किसी और नई व्लॉग में, किसी और नई वीडियो में, क्योंकि अभी नींद भी बहुत सा था, मूड हूँ और जाके सोऊँ। अल्लाह हाफिज़।